नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC Tube TV पर। फिंगर एबेकस के फ्री कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि माइनस वन के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले का यूज हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि माइनस टू के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले का यूज हम कैलकुलेशन में कब और किस प्रकार से करते हैं। अगर आप फिंगर एबेकस का फुल कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में फिंगर एबेकस सीख सकें। सबसे पहले समझते हैं कि हम स्मॉल फ्रेंड किन नंबर्स को बोलते हैं। तो स्मॉल फ्रेंड हम लेते हैं 5 के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर हमको 5 मिलता है, वो दोनों नंबर एक दूसरे के स्मॉल फ्रेंड कहलाते हैं। मान लीजिए आपको ऐड करना है 2, तो 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने पर 5 मिलता है? तो हमको आंसर मिलता है 3। 2 प्लस 3 इक्वल्स 5। 2 में 3 ऐड करने पर हमको मिलता है 5। तो हम कह सकते हैं कि 2 का स्मॉल फ्रेंड हुआ 3। अब समझते हैं कि हमें नेगेटिव केस के स्मॉल फ्रेंड की हेल्प कब लेनी पड़ती है। जब भी आपको माइनस करना हो 1, 2, 3 या 4, ये चारों नंबर हमारे 5 से छोटे हैं। तो जब भी आपको इन नंबर्स को माइनस करना है, पर आप इन नंबर्स को डायरेक्टली माइनस नहीं कर पा रहे हैं और हमारा थंब क्या है, ओपन है, तो ऐसे केसेस में 1 को 2 को 3 को एंड 4 को माइनस करने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ती है नेगेटिव स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले की। अगर आपको माइनस करना है 2, तो आप माइनस करेंगे 5, क्योंकि हम स्मॉल फ्रेंड लेते हैं 5 के रिस्पेक्ट में। तो जो भी ऑपरेशन हमको करना होता है उसका साइन और बेस वैल्यू का साइन सेम रहेगा, और 2 का फ्रेंड होता है 3, उसका साइन रहेगा डिफरेंट, यानी कि हम 3 को ऐड करेंगे। तो हमारे माइनस 2 के लिए स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला होगा -5 + 3। जब भी आपको माइनस 2 करना है लेकिन आप 2 को डायरेक्टली माइनस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माइनस करेंगे 5 को और ऐड करेंगे 3 को। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और माइनस 2 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले को और अच्छे से अप्लाई करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5। थम हमारा रिप्रेजेंट करता है 5 को, ये हो गया हमारा 5। अब हमको करना है -2। अब हम 2 को यहाँ पर हम 2 को डायरेक्टली माइनस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिंगल वैल्यू की कोई फिंगर ओपन नहीं है, लेकिन हमारे पास थम ओपन है। तो हम -2 किस प्रकार से करेंगे? अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी -2 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले के, जो कि होता है -5 + 3। -2 + 1, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 - 2। यहाँ पर हम -2 डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 फिंगर ऑलरेडी ओपन है, तो ये हो गया हमारा -2 - 2। अब हम -2 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो अप्लाई करेंगे -2 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले को, -5 + 3 + 5, आंसर इज 8। 6 - 1 - 5 + 2, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 - 2 - 1 - 2। अब हम -2 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे? तो अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी -2 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है -5
प्लस 3, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो अब हम माइनस 2 किस प्रकार से करेंगे, अब हम माइनस 2 करेंगे माइनस 2 के स्मॉल फ्रेंड्स की हेल्प से, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, माइनस 2 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये हो गया हमारा माइनस 2, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3, आंसर इज 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने सीखा कि माइनस 2 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले का यूज़ हम फिंगर अबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी फिंगर अबेकस फ्री में सीख सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।